भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। भाई और बहनों, मेरे मंच पर आते ही आपने मोदी 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 के नारे लगाए। मैं देश भर में घूमकर आज बोंगीर आया हूं, देश भर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तीन चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं, अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना ने वोट डालना है। भाई और बहनों, 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज, सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। भाई और बहनों, तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, और बोंगीर में ऐसा उम्मीदवार दिया जिसने राहुल गांधी का फर्जी सिग्नेचर किया था, इसलिए उनको सस्पेंड भी किया। मगर जब बोंगीर में हमारे सामने लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिला, उनको पैर पकड़कर उम्मीदवार बनाया गया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। भाई और बहनों, वो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, मोदी जी 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं, मोदी जी ने आरक्षण समाप्त नहीं किया। परंतु तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा सीट जिताइए, बोंगीर में हमारे बूढ़ा नरसैया जी को जिताइए, हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे।